मिलावटखोरी की आन स्पॉट जांच के लिए आम उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से योगी सरकार ने फूड सेफ्टी वैन के जरिए उपभोक्ता दुकानदारों अपने प्रोडक्ट की निःशुल्क जांच करा सकता है, जो पूरे प्रदेश में 4 सेफ्टी वैन को लगाया गया है। अभी इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। सफल होने पर प्रदेश के अन्य जनपदों में भी यह वैन मौजूद रहेगी। शनिवार को इस वैन का उद्घाटन जिलाधिकारी के विजयन पांडियन, सिटी मजिस्ट्रेट अजीत कुमार सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पहले जिलाधिकारी के विजयन पांडे ने फूड सेफ्टी वैन का निरीक्षण कर लैब टेक्नीशियन से विधिवत जानकारी हासिल की। इस अवसर पर मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अंजनी कुमार श्रीवास्तव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी नत्थू कुशवाहा, अजय कुमार सिंह, प्रतिमा त्रिपाठी सहित आला अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांडियन ने कहा, टोल फ्री नंबर भी है। लाइट जलेगा तुम्हारा? जनरेटर सर निकाल के फिर उसको ऑन करके करना पड़ता है। अच्छा। ये सर मिल्क एनालाइजर है। अच्छा। इससे जो दूध की जो है टेस्टिंग होती है। दूध का क्या क्या पकड़ेगा ये? इसमें सर ये फैट बता देगा, फैट और जो है सॉलिड नॉट फैट, प्रोटीन, दूध रखना होगा जी सर। ये क्यूबेट है, यहाँ पे क्यूबेट लगा देंगे, यहाँ से रीडिंग है। ठीक है। और इसमें जो है यूरिया, कार्बोनेट, डिटर्जेंट भी, और शुगर वगैरह भी। अच्छा, इंस्टेंटली पता चल जाता है। रिपोर्ट कुछ जनरेट होगा? रिपोर्ट जनरेट नहीं होती, मैनुअली लिखना होगा जी सर। अच्छा, ये पर डे कितने सैंपल तक ले सकता है सर? एक बार इसको सिटिंग 100 सैंपल ले सकते हैं। ये तो दूध का हो गया। बाकी सर जैसे हम लोग जैसे हल्दी पाउडर है, मिर्ची पाउडर है, तेल है, अलग अलग टेस्ट कराना जी सर। जैसे सर ये कि आयोडीन है क्या? नहीं सर, वो हल्दी है जो है, लैब टेस्ट के लिए आई थी, एडल्ट्रेट है, दिखाने के लिए। जैसे सर ये तेल है, ये सरसों का, ये जो है कुछ करा के दिखाओ तुम्हारा जो है। मुझे सर चालू कर दो, एसी चालू कर दो इसमें। ये जनरेटर ना ऑन करना पड़ेगा नीचे बनेगा। ये हल्दी वाले स्टार्ट कर दो, स्टार्ट कर दो, मिलावट वाले के सही बात है, उसे नहीं जनरेटर, जनरेटर से चलेगा ये। सर ये जैसे सरसों का तेल, ये सरसों का तेल है, ये सरसों का तेल यूज करते हैं। ठीक है। लोगों को देखने में लग रहा है सरसों का तेल है, जबकि ये जो है इसमें क्या है कि ये राइस ब्रान तेल है। इसमें जो है बटर येलो कलर डाल दिया है, वो सस्ता होता है, थोड़ा सा कलर डाल दिया तो सरसों के रेट से बेचते हैं। इसको हम पहचानोगे? इसको सर 1:1 HCl से जो है, HCl ऊपर है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नहीं सर कॉन्सेंट्रेट। कॉन्सेंट्रेट 1:1 सर HCl इसमें डालेंगे, थोड़ा सा सेट करेंगे तो ये जो है कलर जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जी सर। 1:1 HCl है, ये रेड आ गया है, ये सर जो है बटर येलो का ये जो है। उसी तरह सर जो है इस पे क्या था कि किसके वजह हो गया, ये राइस ब्रान ऑयल की वजह हो गया क्या? नहीं, दरअसल क्या है कि सिंथेटिक कलर, सिंथेटिक कलर बटर येलो सर, ये बटर येलो कलर होता है। ये जो है जब उसमें डाल देते हैं राइस ब्रान में तो सरसों की तरह दिखता है, और उसको उसी के रेट से बेच देते हैं। जो कलर है सर ये कार्सिनोजेनिक है जो है। अच्छा सर, HCl डाले क्या कोई है तरीका के चेक? नहीं, आसानी से पहचानने के लिए तरीका भी बता जी सर, हर व्यक्ति नहीं जानते है ना। जैसे सर हल्दी पाउडर है सर, हल्दी पाउडर देखिए सर, एक नॉर्मल हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर कैसे है तो शुद्धता कैसे पहचानेंगे? सर ये केचप का जो है जैसे जनरल जो है लिए हैं, ठीक है, ब्रांडेड है, इसको लेके जो है टेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको पानी डाल के डाइल्यूट कर लेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन बना लेंगे।
इसमें? अब इसमें सर कॉन्सेंट्रेट SCL जो है डालेंगे सर, आप इधर इधर आ जाते हैं तो कर लेते हैं। ये सर जो है कलर नहीं आया है, जो आपके हाथ में हल्दी है ये शुद्ध है मतलब? नहीं नहीं एडल्ट्रेट है वो, ये तो शुद्ध है, ये सही वाला है। ये तो मैंने जो है एक पैकेट अभी मंगाया था जो दिखाने के लिए, सही वाला है ना? सही वाला है। ये जो टेस्ट किए हैं तो पहले जो टेस्ट किए वो कहाँ चला गया? ये सर ये शुद्ध वाला है, ये सर हल्दी का हो गया। अब जो है सर आपके सामने आपके हाथ में हल्दी है उसको दिखा रहे हैं, ये जो है डूबे हाथ कट जाएगा। ये लैब में जैसे सब टेस्टिंग के लिए आए थे तब लोग रख लिए मिलावटी। क्या करते हैं कि किसी की भी जो है लकड़ी जो है उसको और हल्दी के रेट से बेच देते हैं? तुरंत तुरंत मतलब जाके सर चेक करने लायक चीज है, तुरंत देखिए भैया अच्छे से बंद करो उसको। इसकी सर एक और ये चीज है, जैसे ये कलर आ गया इसको जितना भी अगर डालू, अगर हल्दी अगर रहता कल तो भी हल्दी में आता है, लेकिन अगर जिसको डाइल्यूट करेंगे तो कलर जो है नहीं मत जाएगा। ये देखिए कलर जो है बरकरार, ये देखिए। और इसमें तो मान लीजिए कलर ही नहीं आया है जो चीज है, अगर किसी में आता है फिर ये सर ऑयल का ये जो है जो अभी कलर जो है अगर ये केवल हाइड्रोक्लोरिक एसिड से इतने पहचान सकते हो, क्या क्या एसिड से पहचान लोगे? जैसे कलर तेल में हो गया सर, हल्दी में हो गया, और जो है मिर्चा पाउडर में जो सुडान फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो होता है उसमें जब आप डालेंगे तो तीन तरह का कलर जनरेट होता है, तो तीनों अलग अलग कलर अलग अलग जो है वो जैसे सुडान फर्स्ट है सेकंड है थर्ड वो दिखता है। अब इस मौसम में यार खासतौर पर आइसक्रीम ज्यादा बिकता है जी सर, और जो कूल ड्रिंक विंक बिकता है जी सर, जो लोकल कूल ड्रिंक उसको पहचानने के लिए क्या तरीका है, उसमें क्या क्या मिलावट? कोल्ड ड्रिंक के लिए सर जैसे कोल्ड ड्रिंक में तो सर जैसे क्या है कि जो भी डिक्लेयर किया है उसी के हम लोग टेस्टिंग करते हैं। अच्छा, जैसे मान लीजिए पेप्सी या लोकली डिक्लेयर हुआ लेगा जी सर, इंटरनेशनल ब्रांड तुम चेक कर सकते हो, इंटरनेशनल ब्रांड में सर जैसे सुक्रोज कंटेंट उसमें शुगर जो है डिक्लेयर किया है तो उतना ही हम लोग उसकी टेस्टिंग करते हैं, ये नहीं कि 10 ग्राम शुगर डिक्लेयर किया है और 5 ग्राम डाल रहा है। बाकी वो पेस्टिसाइड का चलता था यार बड़ा अफवाह है, तो जो भी है वो चीज नहीं सर, अभी इस समय नहीं है सर, प्राइमरी टेस्ट के लिए है। आइसक्रीम में क्या क्या चीज मिलाते हैं? आइसक्रीम आजकल तो गली गली तो वही बिक्री हो रहा है। आइसक्रीम में सर जो है जनरल जो है कोई रिफाइंड का जो है तेल इस्तेमाल कर देते हैं, रिफाइंड तेल जी सर, और स्किम मिल्क पाउडर इस्तेमाल कर देते हैं, ग्लूकोज पाउडर, उससे क्या क्या चीज उसे पकड़ते हैं उससे सिंथेटिक कलर? सर उसका एक स्टैंडर्ड बना हुआ है जैसे वेट बाय वॉल्यूम जो है, इतने मतलब वॉल्यूम में इस आइसक्रीम का इतना स्टैंडर्ड होना चाहिए, मतलब इतना भार आना चाहिए। अच्छा। उसके बाद जो है उसका टोटल सॉलिड इतना जैसे उसको हम जैसे मोशन मशीन है सर, इसको जब पीएस निकालना होता है तो हम जो उसको वेट करके जो है इसमें जो है उसमें कितने सॉलिड है कितने जो वो उसको है? इसमें इसमें अंदर डाल देते हैं, ये ऑन कर देते हैं टेम्परेचर 120 टेम्परेचर एक घंटे के लिए, उसका अंदर क्या क्या चीज है वो पता चल जाता है, उसका जो है मॉइस्चर सॉल्युबल जो चीज है वो सॉलिड चीज है। एक तो ये हो गया, फिर यार कोई ऐसे चीज है तो नुकसानदायक चीज कोई मिला हुआ तो वो कैसे पहचानोगे? आइसक्रीम में क्या क्या नुकसानदायक चीज मिला सकते हैं? बस केवल तो वेजिटेबल ऑयल इत्यादि वही मिला लेंगे? सर क्या है सर हमारी जो साई कहती है ये जो है जो भी स्टैंडर्ड जो बनाए उसी के हिसाब से हम लोग जांच करते हैं, जो मानक बनाई जो इंग्रेडिएंट्स लिखते हैं वो जैसे वो बर्फी में सर जैसे बर्फी दो तरह का चेक होता है, जैसे कोई छेना रसगुल्ला करके बोल दिया, छेना रसगुल्ला बोला कि मैं जो है छेना जो है केवल छेना और चीनी मिलाया हूँ तो वो बताएगा तो उसके स्टैंडर्ड पे हो जाएगा। कोई जो है छेना जो है बनाता है उसमें थोड़ा सा मैदा मिला देता है, दूध से ही बनाते हैं वैसे? हाँ सर, तो खोया से जी सर है कुल्फी में जी सर, तो थोड़ा सा उसमें जो है मैदा मिला देते हैं, मैदा सही है तो अगर वो उसने बताया है तो वो प्रोप्राइटरी को उसी के स्टैंडर्ड पे उसकी जाँच होगी, नहीं तो अगर उसने बताया कि छेना और चीनी मैंने मिलाया है और उसमें मैदा अगर निकल जाता है तो वो फेल हो जाएगा सैंपल। जो आप जो बता रहे हैं वही चीज होना चाहिए, नहीं तो आप जो है अपने जन जो भी कस्टमर है उनको धोखा दे रहे हैं आप। पानी बता।
सेफ्टी ऑन व्हील करके एक अभियान है एक तरफ से, आज से लेके 1 तारीख तक का हम लोग का फूड सेफ्टी जो कमीशन से एक गाड़ी उपलब्ध कराया गया है, उस पर इंस्टेंट टेस्टिंग का पूरा सुविधा है। यानी जो मिलावटी चीज़ होता है, दूध हो नहीं तो वो तेल हो नहीं तो जो भी पदार्थ, जो खाने वाले पदार्थ, आइसक्रीम, जो भी गुल्फी, जो भी चीज़ है, उसी का तुरंत उसको टेस्ट कर सकते हैं। टेस्ट करके उसको पहचान सकते हैं, उस पर जो चीज़ क्या क्या मिला हुआ है वो नुकसानदायक नहीं है, और उस पर जो चीज़ होना चाहिए था वो स्टैंडर्ड के हिसाब से है क्या नहीं, उसी के हिसाब से ये गोरखपुर का एक बड़ा उपलब्धि है। खासतौर पर जो अक्सर ये शिकायत मिलता रहता है जो किसी चीज़ में खोया में मिलावट है और तेल में मिलावट है इत्यादि, हम लोग उसको पूरा चार्ट बना करके अभियान के तौर से चला रहे हैं। खासतौर पर कहाँ कहाँ ये ज़्यादा बिक्री होता है उसी इलाका में हमारा गाड़ी जाएगा। पर डे उसको 200-300 तक का क्षमता है। उस पर प्राइवेट व्यक्ति भी कोई चीज़ चेक करने चाहते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति जो अपने घर में कोई पदार्थ यूज़ करता है उसी का उनका मन में जिज्ञासा है, वो जांच करने चाहता है, तो वो भी निःशुल्क रूप से आकर के जांच कर सकता है। उसके अलावा हम लोग जो आसानी तरीके से जो घर में ही आपका कैसे जांच कर सकते हैं जो चीज़ का, उसके पैम्पलेट बना करके हम लोग वितरण कर रहे हैं, ताकि ये जो खरीदने समय में वो भी जानकारी होना चाहिए था, जो चीज़ मिलावटी होता है तो कैसे तुरंत पहचान सकते हैं बिना लैब का जो सहयोग से। बाकी लैब के सहयोग से जो चीज़ है वो हम लोग को उपलब्ध मिला है। मैं मीडिया के जरिए से मैं सबको अपील करने चाहता हूँ, एक अच्छा उपलब्धि है। 1 तारीख तक ये साधन हमारा गोरखपुर में रहेगा, और यहाँ फूड सेफ्टी का जो ऑफिस है मेरा कलेक्ट्रेट में ही बना हुआ है, किसी का कोई भी डाउट है पूछना तो यहाँ पूछ सकते हैं, और किसी का सैंपल चेक करना तो तुरंत चेक कर सकते हैं, ताकि हम लोग गोरखपुर वासी को जो एक शुद्ध और अच्छा पदार्थ वाले देने के लिए हम लोग समर्थ रहें।